गुजरात के मोरबी जिले में रविवार शाम करीब 6:30 बजे मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट गया। हादसे के वक्त पुल पर 300 से अधिक लोग मौजूद थे। 233 मीटर लंबा यह पुल करीब 100 वर्ष पुराना था। हादसे में 100 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेश मेरजा ने 60 लोगों के मरने की पुष्टि की है, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। करीब करीब 50 लोग लापता हैं और लगभग 170 लोगों को बचा लिया गया है। इस घटना के बाद वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी सामने आए हैं, तो वहीं राजनीति भी उफान पर है। जानकारी के अनुसार नदी के पानी में अब भी करीब 100 लोग के फंसे होने की आशंका है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई लोगों को पानी में संघर्ष करते हुए देखा गया है। सुबह तक 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, वहीं करीब 177 लोगों को बचा लिया गया है और 19 लोगों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद से सेना, नौसेना, वायुसेना, NDRF, फायर ब्रिगेड तलाशी अभियान चला रही है। आधे लोग ऐसे तीन गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था, फिर मैंने सबके 6:30 बजे किसी ने फोन किया, सब वास्त की, फिर मैंने पूरी रात नहीं सोया हूँ। मैंने मेरे हिसाब से मानू सेवा की है, बहुत बच्चे को मैं लेके आया हूँ 108 में। बहुत बुरा हुआ, बच्चे लोग भी थे, बहुत मैं बोल नहीं सकती, इतना मेरे को दुख लगा है जो कोविन में था ने, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है।